नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। फिल्म पठान का टीजर लॉन्च हो चुका है और इसी के साथ बायकॉट पठान ट्रेंड कर रहा है, और हो भी तो क्यों नहीं। बॉलीवुड में मैंने दो फिल्मों से दो अलग अलग लाइनों को आपके लिए चुना है। पहली फिल्म है राज कपूर साहब की और दूसरी है सो कॉल्ड किंग और बादशाह शाहरुख खान की। पहली फिल्म राज कपूर साहब की कुछ लाइनें मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। वो कहते हैं, जहाँ दिल में सफाई रहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। और इनका कहना क्या है, हम इस देश के वासी हैं जहाँ रोज ही दंगा रहता है, रोज रोज अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है। राज कपूर साहब ने कहा था कि उसी फिल्म के उसी गीत में उन्होंने कहा है कि ज्यादा की नहीं लालच हमके, हमें थोड़े से गुजारा होता है। और इनका कहना क्या है, जहाँ आम आदमी सड़कों पर आधा सा नंगा रहता है, राज कपूर साहब कहते हैं कि हमें ज्यादा की लालच नहीं है, हम थोड़े से भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमें हमारे देश पर गर्व है। और ये जो छवि विदेश में दिखा रहे हैं भारत की, उसमें क्या दिखला रहे हैं कि जहाँ आम आदमी सड़कों पर आधा सा नंगा रहता है। फिर मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, और इनका कहना क्या है, यहाँ रोज ही दंगा रहता है। तो बेसिकली जो बातें निकल कर आती है वो ये आती है कि जब आप कोई भी मूवीज बनाते हैं, कोई जो फिल्म बनाते हैं, उसमें जो छवि आप लोगों को सामने दिखलाते हैं, लोगों के सामने दिखलाते हैं, उस छवि को सिर्फ इंडिया में नहीं देखा जाता है, उस छवि को विदेशों में भी देखा जाता है, विदेशों में भी इंडियन फिल्में लगती हैं। यदि आप खुद एक इंडियन कलाकार होकर बोलेंगे कि हमारा देश में ऐसा होता है वैसा होता है, आप एक देश का नाम बताइए जहां दंगा नहीं हुआ है, आप एक देश का नाम बताइए जहां स्कैम नहीं हुए, आप एक देश का नाम बताइए जहां लोग गरीब नहीं है, लेकिन आप एक देश का नाम मेरे से सुनते जाइए जो कि टॉलरेंस यानी सहिष्णुता का सच्चा उदाहरण है, उस देश का नाम है भारत, इंडिया, आर्यावर्त। तो इंडिया जैसा टॉलरेंट कंट्री आपको मिलने वाला नहीं है। वो खैर मनाइए आपकी, आप इंडिया में हैं इसलिए आपकी फिल्म में माय नेम इज़ खान, पठान ये चल जा रही है, वरना आपके खान नाम के कारण आप एक बार अमेरिका में नंगे भी हो चुके हैं, लोगों ने इस घटना को अभी तक तो भूला नहीं है। तो आपकी फिल्में बाइकॉट होंगी होंगी। आपने सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक्टर्स को आप बॉलीवुड के कलाकारों ने ही बॉलीवुड से बेदखल कर दिया, वो डिप्रेशन में आए, सुसाइड किया, वॉट एवर जो भी मुद्दा था, आपने मनोज वाजपेयी जैसे एक्टर्स को नकार दिया, आपने नकार दिया विवेक ओबेरॉय जैसे एक्टर्स को। आज आपकी बारी है, लाल सिंह चड्ढा चड्डी पहन के गई है, चड्डी तक बिक गई उस फिल्म की, और अब आपकी बारी है। आइए स्वागत करेंगे आपका इसी बायकॉट के साथ। उम्मीद है ये वीडियो मेरे फैंस को पसंद आएगी, तो वो जरूर लाइक करेंगे और चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। जय हिंद।